साहिबा दीदी अखिल भारती से लड़ाई लड़ रही हैं, हम लोग को इनका पूरी तरीके से साथ देना है और कोई नेता आपके बीच में आपकी अपनी आपकी अपनी बात को नहीं मनवा सकता, क्योंकि जब भी मनवा सकती है तो एक आंगनबाड़ी ही जंग के मैदान में उतरेगी, तभी हमारी किसी मांग को पूरा होगी, होगी ना, होगी कि नहीं आंगनबाड़ी की मांग, या नेता प्रेता लोग आकर मंगवाएंगे तो मान जाएंगे नहीं ना। तो आप हमारे सारी बहने हमारी साहिमा दीदी का साथ दीजिए। और आपको बता देना चाहती हूँ, अपने टॉपिक पर मुद्दे पे आती हूँ, सरकार हमें कहता है कि आखिर आप लोग बताइए कि आप लोग को किसी भी मतलब सरकार कहता क्या है कि आंगनबाड़ी है क्या जी, क्या है? हम कहते हैं कि एक मजदूर की मजदूरी ही आप हमको दे दीजिए, हमने गलत कहा क्या? आप हमको कुछ मत दीजिए, बहुत ज्यादा एहसान मत करिए, मात्र एक मजदूर की मजदूरी जो होती है वही आंगनबाड़ी को दे दिया जाए। तो मजदूर भी तीन प्रकार के होते हैं, जानकारी है आप लोग को? कुछ जानकारी हमें मालूम हुई है, मजदूर भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक कुशल मजदूर होता है, एक अर्ध कुशल होता है और एक अकुशल होता है। तो हम कहते हैं एक कुशल मजदूर की मजदूरी होती है, कुशल मैंने होता है जो दिन भर मेहनत करता है और वो उतने पैसे में संतुष्ट है, यही होता है ना कुशल मजदूर की मजदूरी, और जो भी उसको मिलता है शायद कुछ समथिंग है 376 रुपए 80 पैसे, एक कुशल मजदूर की मजदूरी मैंने कुछ दिन ये देखा था कि ये था, तो वो हमको नहीं दे रहा है, कुशल मजदूर की मजदूरी नहीं दे रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप बताइए, चलो अर्ध कुशल पर आ जाओ, अर्ध कुशल मजदूर की मजदूरी भी है 346 रुपए 50 पैसे। सरकार को क्या हमें अर्ध कुशल लायक भी नहीं समझ रहा है सरकार? अब आप आ जाइए तीसरे तरीके की मजदूरी जो अकुशल मजदूरी होती है, जो एकदम थर्ड पार्टी का जो दिन भर मजदूर मजदूरी कर रहा है लेकिन वो उस मजदूरी से खुश नहीं है, मनरेगा के तहत 332 रुपए 20 पैसे के समथिंग में कुछ ऐसा आ रहा है। तो आप बताइए बहन, 332 रुपए 20 पैसा अभी अकुशल मजदूर की भी मजदूरी सरकार हमको नहीं दे रहा है, बताइए।